नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड विद टिप्स पे। आज आपको बताएंगे कि पुलाव कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पुलाव, पुलाव के चावल जिसको मैंने धो के रख लिए हैं। ये मैंने लिया है 1 कटोरी मटर, काजू जो मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे, पनीर, पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची और थोड़ी से काली मिर्च। यहाँ पे मैंने लिया है लौंग और दालचीनी। तो चलिए पुलाव बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुकर में तेल डालेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। कुकर में तेल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें दालचीनी और लौंग डाल देते हैं। अब इसमें काली मिर्च, और बड़ी इलायची थोड़ा सा फोड़ के या कूट के थोड़ा सा डाल देते हैं। उतनी हरी मिर्च डाल देते, मटर डाल देते हैं। इसके बाद पुलाव पनीर, काजू, आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मखाना या कुकीज। अब 1 कप पानी डाल देते हैं। एक सीटी तक इसे अच्छे से स्टर कर देते हैं और 1 सीटी तक पकने देते हैं। और इसे 1 सीटी आने तक ही पकाना है, ध्यान रखिए। तो हमारी 1 सीटी आ चुकी है, कुकर खोल लेते हैं। अब देख सकते हैं पुलाव अच्छी तरह से पक चुका है। इसे अच्छे से स्टर करेंगे, मिला लेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें घी डाल देंगे। इससे हमारे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छे से मिला देंगे सारे मटर पनीर और मसाले जो भी हमने डाले थे सूखे, वो अच्छे से मिल जाए चावल में और घी भी। आप देख सकते हैं सभी चीज़ अच्छे से मिल चुकी है। चलिए इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारे चावल कितने खिले खिले और बिल्कुल अलग अलग बने हैं। तो ये देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पुलाव राइस बिल्कुल अच्छे से तैयार है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इन्हें धनिया पत्ती से गार्निश करें। आप इसे छोले के साथ, मटर पनीर के साथ और भी बहुत सी सब्जियां हैं उसके साथ या फिर दाल के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।